फाइनली पहुंच चुके हैं घर पे और मम्मी का काम धाम दिखाता हूँ आपको। रुको, मम्मी ने सारे लूटे उटे सब पैक कर रखे हैं यहाँ पे और यहाँ डाले हैं धान सुखाने के लिए, वहाँ मड़ुआ सुखाने के लिए डाला है, ये मशीन भी दिल्ली जाएगी, ये मशीन को भी सुखाने के लिए डाला हुआ है। और मम्मी का एक ऑर्डर आया था वहीं से चला घर, जब भला आल है ये रंग डाले अपन डालवा जाए घर पे, तो ये रंग के डब्बे भी लाए हैं हम, तो ऐसा है। और फूल देखो क्या मस्त हो रहे हैं, तो इन्हीं फूलों से ना गायों की और मंदिरों में जो चढ़ाए जाते हैं, अभी हमारे जो दिवाली में होता है ना गोवर्धन, तो उसमें गायों की पूजा की जाती है, तो पूरे सब जितनी भी गायें हैं सबके गले में माला बांधी जाती है। अब तो हमारे पास एक ही है, अब हमारे पास एक ही बच्ची है जी, यहाँ पे बना रही है चाय। ये वैसे मैं चाय पीता नहीं, पर मम्मी ने आज बना दी तो आप पी लेंगे। ये देखो ये क्या कहना चाहते हो, कितनी खुशी है आज बहुत खुशी है, मेरे बेटा है और राजू के पापा है। और ये देखो गाइस, ये देखो गाइस पहाड़ का स्वाद है, फ्रेश अमरूद। मम्मी अभी भी हो रहे हैं अमरूद? हाँ दो में ले गया भारी। ये लौकी थोड़ी है आज, ये देखो भैया की सब्जी बताओ, लौकी होने लग गई है, लौकी भी पता नहीं कैसे डिजाइन की हो रखी है। अमरूद देखो सिलबट्टा में भी कुछ ना कुछ तो पीछा गया है, नमक पीछा गया। और मैं मोटो ब्लॉक का सेटअप तो लेके आया था पर मोटो ब्लॉक कर नहीं पाया, क्योंकि मामा ने स्कूटी दी है ना, और स्कूटी के साथ जो हेलमेट दिया हुआ है ना, उस हेलमेट में मतलब पूरा ऐसे ऊपर आ जाता है, तो उसमें माउंट कर ही नहीं सकते, उसका भी जुगाड़ देखना पड़ेगा कुछ, क्योंकि 7-8 दिन मैं यहाँ पे हूँ और बिना गोप्रो के काम कर दूँ फिर गलत हो जाएगा ना, तो इसलिए उसका भी जुगाड़ ढूंढेंगे कुछ, या तो किसी से हेलमेट का जुगाड़ करेंगे नया, जिसमें यहाँ से बिल्कुल वो वाला रहता है ना चिन कवर करने वाला, उसमें क्या है पूरा ऐसे ओपन हो जाता है और उसमें वो लगाने का है ही नहीं, खाली शीशा ही शीशा आता है नीचे, तो वो भी देखूंगा अभी। हाँ गाइस चाय, पहाड़ी कबाब में चाय नहीं पीते भाई, पहाड़ी पीते हैं स्टील के गिलास में चाय। आ अरे मम्मी का ऐसी देखिए, सामने कुछ नहीं बोलेगी, गुण 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 पीछे से लगे रहेगी। मम्मी मम्मी कह रही है वो वाला स्कैम हो गया मम्मी के साथ, बर्तन दिखने में बड़ा लगता है अंदर से वो खाली रहता है ना, मम्मी ने बोला होगा इतनी चाय में नहीं पीती, चाय दूसरे कप में उड़ेल दी और चाय इतनी सी बची मम्मी के लिए, मम्मी को हो गई फिर क्यों जो उड़ेल दी मैंने। क्या क्या है पापा इसमें? गोद, गोद, सोयाबीन, सोयाबीन, चण, चण, रेश लगे जो, रेश, बहुत नहीं नहीं, बहुत सी चली नहीं, गोद भी है भैया, देख लो गाइस पहाड़ी पहाड़ में जितनी दाल होती है सारे दाल मिक्स करके दाल बनाई है मम्मी ने, पहाड़ों में देखो कितनी शांति है, कोई लग भी नहीं रहा है कोई दिवाली वाली है आने वाली है करके, सुनसानी बिल्कुल, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है लोगों में, ये देखो सुनसानी हो रखी है पूरे, ये हमारे पार गांव है और ये वार गांव है। तो गाइस अभी हो रहा है टाइम दोपहर के 1 और मम्मी यहाँ पे पहाड़ी मिक्सी में यहाँ पे मसाले पीसने लगी है देखो, और मैं करता हूँ अपना कार्यक्रम शुरू। गाइस ये देखो ये है थाली, इसमें मैं यहाँ पे अपन अपन दे के जाऊँगा पूरा, ये मैंने लाल पेंट इसमें निकाल लिया है और अब यहाँ पे करते हैं हम लाल पेंट। ये है ओखली जिसमें धान कूटे जाते हैं और इसको भी इसकी भी पूजा करी जाती है, तो इसमें भी हम बनाएंगे अभी अपन आर्ट। तो देखो पहले इसमें हम कर देते हैं रेड पेंट, सारे गेट पे और सीढ़ियों पर कर दिया है, अब इसकी बारी है।
तो गाइज अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 3 और अभी हमारा है लंच का टाइम। मैंने दिल्ली में पूरा रेड कलर कर दिया, अब ये सूखेगा, इसके बाद इसमें काट जाएंगे अपन। और इस बीच मम्मी जी ने कर दी है कुकिंग और अब करते हैं हम लंच। तो चलो आपको लंच के बाद मिलते हैं। पहाड़ी गीजर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं यहाँ पे। और ये देखो हमारी आमा, आमा को बहुत बहुत बधाई, आमा फिर से नानी बनी है। और ये देखो भैया हरियाली हरियाली, ये देखो लूठे लूठे लग गए हैं यहाँ पे। अभी हो रहे हैं शाम के 5:30 और सनलाइट देखो कितना प्यारा लग रहा है, मौसम हरियाली है। अभी मौसार खुल गई है, मौसार मतलब जब फसल वसल पूरी निकल जाती है ना खेतों में से, तो गाय बच्चियों को कुछ टाइम के लिए 1-1.5 महीने के लिए फ्री छोड़ दिया जाता है, मतलब उनको भी जहाँ वो चरना चाहे वहाँ चर सकते हैं। और टाइम पर रिस्ट्रिक्शन होती है, मतलब अगर कोई अपनी गाय को देखेगा नहीं तो वो अगर किसी का नुकसान कर रहे हैं तो फिर गाली वाली देते हैं, लड़ाई हो जाती है, तो वो चीज़ है। और इस टाइम में ना इनके लिए 1-1.5 महीने का फ्री ऑफर चलता है। अभी धेलियाँ और ये सीढ़ियाँ मैंने रेड पेंट कर दिया है, कल ये सूख जाएंगे, पर इसमें वाइट पेंट से जो एप्पन हमारे उत्तराखंड की कलाकृति है वो करी जाएगी। और मम्मी ने यहाँ पे भट सुखा दिए हैं और ये भट्टों को अब मम्मी क्या कर रहे हो, ये अब इनको संभाल, अभी और सुखाओगे इनको या सीधे पैक कर दे, खाने के लिए रेडी हैं ये अब? हाँ ये खाने के लिए रेडी हैं। तो ये है मम्मी का कामकाज और पापा भी अभी पेंट वेंट सफाई वफाई में लगे हुए हैं। चाहे दिल्ली रहो कहीं रहो, दिल्ली में कैसा भी घर हो, पर जो इन घरों में सुकून मिलता है ना मस्त लगता है। आपको अपना किचन दिखाता हूँ मैं, देखो इतना बड़ा किचन है और देखो ऊपर लकड़ियों का है। ये देखो ये जो काला काला आपको दिख रहा ना, पहले यहाँ पे चूल्हा मम्मी जलाती थी, अभी भी जलाती थी जब तक गाय थी ना, तो दूध दूध गर्म यहीं हो जाता था। ये झोल से पूरा, और ये झोल आपको लग रहा होगा ना कि मतलब काला जो है ये कमज़ोर करता होगा लकड़ियों को, इससे लकड़ियाँ और भी मजबूत होती हैं। और ये देखो ये है हमारा, और ये है जो लस्सी फानने के लिए सपोर्ट सिस्टम होता है ना, वो यही होता है, और इसको थुमा बोला जाता है। और इस पर ना फिर एक लकड़ी, बांस की लकड़ी होती है वो डिज़ाइनदार, उसको फिर बर्तन में डाला जाता है और फिर उससे फान के, रोड़ी बोलते हैं उसे, उसको फान के मतलब दही को फान के फिर उसमें से मक्खन निकाला जाता है, और फिर जो बच जाता है उसको कहते हैं छांस। और उतना धोने वोने का टेंशन भी नहीं होता, सारे फ्रेश फ्रेश हैं। ये देखो वो हमारा अमरूद का पेड़ है, अब तो उसमें कुछ ही रह गए हैं, पर अमेजिंग गाइज इतने मीठे हैं ना, क्या ही बताएं, मज़ा आ गया सही में। और ये है गाइज भुज, आपने इसका भी व्लॉग देखा होगा जो मैंने बनाया था भुज की बड़ी करके। हमारे पहाड़ों में तो इससे भुज की बड़ी बनाई जाती है, वैसे इससे जो मिठाई होती है ना वो भी बनाई जाती है शहरों में और कहीं। मेरी मम्मी का कामकाज चल रहा है। मम्मी इतने भटुए हैं अभी इस बार, फिर भी ठीक ही हो गए यार, जितनी मेहनत करी तो हो ही गए। हाँ अब चलते हैं गाइस छत में, छत से आपको व्यू दिखाते हैं कैसा व्यू आता है। यहाँ देखो ये हमारे गाय बच्चों के लिए एरिया है, ये भी गाय बच्चों के लिए, अब तो हमने गाय भी दे दी, एक छोटी सी बच्ची है हमारे पास। और ये हमारे छत के जाने के लिए रास्ता है, यहाँ देखो पूरा ये लैंडस्लाइड जैसे होती है ना, छोटे छोटे जो खेत टूट टूट जाते हैं, तो यहाँ देखो पूरा आ गया। ये देखो ये तो तब भी बन गया था जब मैं घर में रहता था ना, तब ये सीढ़ियाँ बन चुकी थी। और ये देखो कितनी रिस्की हैं, यहाँ भी टूट गए सारे। और ये देखो हमारी छत कितनी मस्त है, छत से व्यू देखो भाई। और मम्मी वहाँ पे भट वो कर रही है। मम्मी हेलो गाइस बोल दो ऐसे, हेलो गाइस। ये देखो गाइस मेरे को डर लगता है इसके किनारे किनारे पर, और मम्मी लोग ना यहाँ किनारे किनारे पे जाके फसल जब सुखाते हैं ना, तो फसल को यहाँ से भी नीचे आंगन में डालना होता है, मेरे को तो बहुत डर लगता है इसमें। ये देखो किनारे किनारे है ना, जो हिलता भी है।
दिवाली की तैयारी कर रहे हैं सब। और लेना बमूम लेना ये कमू। तो गाइस अभी अब शाम हो चुकी है, हमारी बच्चिया भी आ चुकी है चरने के बाद। बच्चू अभी अकेले रह गई है, इसकी मम्मी को हमने दे दिया है। और ये देखो पहचान लिया इसने गाइस मेरे को, बहुत पहले देखा था इसने मेरे को और आज पहचान भी गई है मेरे को। और आराम से चर के आ रही है ये मस्त। ओयो मेरे। और गाइस ये देखिए अभी टाइम हो चुका है 6:30 और यहाँ पे हिट्टू चूल्हा जल चुका है। इससे दो काम होंगे, एक तो आग सेकी जाएगी और इस पर खाना भी बनाया जाएगा, मतलब मम्मी रोटी इसी पर बनाओगे। हिट्टू चूल्हे पर रोटी बनेंगी। और अभी आप देख सकते हो किस लेवल की ठंड है। ठंड है भाई। और व्यू देखो आप, इतना क्लियर दिख नहीं रहा कैमरे में, अच्छा दिख रहा है मतलब। ये देखो ये पार गांव है, दिवाली की लाइटिंग कहीं कहीं पे चालू हो चुकी है। जैसे पार गांव वाला ना एक लाइन पे है, हमारा गांव क्या है ऊपर नीचे है। तो हमारे गांव में हमारी साइड वाले मतलब गांव एक ही है, हमारे साइड में ये चीज़ें हैं। और ये देखो ये हमारे पूरे जंगल हैं इस साइड में, मतलब जहाँ हम गाय वाय चराने के लिए जाते। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो ब्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत जल्द मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।